हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स वैकेंसीज के बारे में 2022 और 2023 की, और 9 वैकेंसीज के बारे में बताऊँगी। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में 9 वैकेंसीज आपकी जो हैं होने वाली हैं, और बहुत सारी इसकी जो हैं 1000+ वैकेंसीज होंगी। HP कैंडिडेट आप ज़रूर देखें वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल की और फीचर्स को देखना चाहते हो तो आप ज्वाइन ज़रूर करें मेंबरशिप। आपको नीचे ब्लू कलर का ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें आपको मैं 9 डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बताने वाली हूँ जिनकी वैकेंसीज आपको अभी देखने को मिलेंगी 2022-23 में। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ की वैकेंसी होगी, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज तक आपकी जो है कितनी पोस्ट निकल सकती हैं। तो सबसे पहले आपकी HPSSB स्टाफ नर्स की वैकेंसीज होती हैं जिसको सभी का वेट होता है। अभी जो HPSSB की जो वैकेंसी थी उसका जो है रिज़ल्ट आ चुका है। अब बहुत ही जल्दी और भी पोस्ट फिल की जाएंगी, तो 100+ इसकी जो वैकेंसीज होंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, GNM की होनी चाहिए, BSc नर्सिंग की होनी चाहिए। फ्रेशर्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, हिमाचल के कैंडिडेट होने चाहिए। आपकी जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल, हिमाचल नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होनी कंपलसरी है। बाकी ही अदर इन्फॉर्मेशन मैंने डिफरेंट वीडियो में बनाई है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कहाँ की होगी, IGMC की। IGMC की जो वैकेंसीज होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल वालों के लिए ये बहुत अच्छी वैकेंसीज होने वाली हैं। इसमें जो आपकी सैलरी होती है वो गवर्नमेंट बेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही दी जाती है, और इसकी जो है सैलरी आपकी 62,000+ आपकी जो है सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसका सिर्फ आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता, डॉक्यूमेंट की वैल्यूएशन नहीं होती है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, BSc नर्सिंग, GNM दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल की आपके साथ पास जो है रजिस्ट्रेशन होनी कंपलसरी है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप जो है GNM के कैंडिडेट हैं वो उनके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और जो है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग के कैंडिडेट हैं वो फ्रेशर्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं NHMCHO की। NHMCHO की वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाले हैं हिमाचल के। तो इसका क्या क्राइटेरिया होता है, इसका क्राइटेरिया है कि आपकी BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होनी चाहिए। GNM वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी आपकी वैकेंसीज लास्ट ईयर निकाली गई थी, 940 जो वैकेंसीज थी, लेकिन उनको फिल नहीं किया गया क्योंकि इसका जो है आपको पता ही होगा क्यों विड्रॉ कर दी गई। इसका रीज़न था कि जो CHO की वैकेंसीज थी, पहले आपके जो एग्ज़ाम होते थे वो आपके होते थे, उसमें आपको जो है एग्ज़ाम के बाद आपसे जो है ब्रिज कोर्स करवाया जाता था। लेकिन जो अभी आपकी 2021 में वैकेंसी आई थी उसमें आपको जो बोला गया था कि आपके पास ब्रिज कोर्स या आपने 2019 के बाद जो है पोस्ट बेसिक या BSc नर्सिंग की होगी, उनके पास BPCCHN का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है तो वही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो पहले के कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2019 से पहले जो है BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की है, उनके पास सर्टिफिकेशन प्रोग्राम नहीं है, तो इसी कारण से वो विड्रॉ हो गई हैं। और अभी जो बहुत जल्दी इसकी जो वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अब देखना ये है कि अब इसका जो है जैसे प्रीवियस जो है पहले से ही आपके एग्ज़ाम होता था, उसके बाद आपको कोर्स कराया जाता था, 6 मंथ की ब्रिज कोर्स करवाया जाता है, वैसा ही होगा। या आपका जो है 2019 के बाद ही के कैंडिडेट ही लिए जाएंगे, या जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया है वही लिए जाएंगे। तो इसमें भी आपके पास जो है हिमाचल की रजिस्ट्रेशन होनी कंपलसरी है। नेक्स्ट देखते हैं बैच वाइज वैकेंसी की। इसकी NHMCHO की जो है सैलरी की बात करें तो इसकी जो है 25,000 जो है पर मंथ सैलरी होती है, और 15,000 इसका इंसेंटिव बेस्ड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलता है।
तो बैच वाइज वैकेंसीज आएंगी आपकी। बैच वाइज वैकेंसी अभी आपकी मार्च में आई थी, तो मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से बैच तक की जो है वैकेंसीज फिल हो गई हैं और कौन सी रहती हैं। तो इसकी जो है 252 प्लस जो वैकेंसीज आने वाली हैं, ये आपने देखा होगा न्यूज़ में जिसमें बताया गया था कि 252 प्लस इसकी वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो अभी आपकी अगस्त सितंबर तक ये वैकेंसीज आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं, ये भी डिफरेंटली फिल होती हैं। आपने ऑफिशियल साइट जो है विज़िट करी है, वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज इसकी आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, और ऑल इंडिया की जो है आपकी सॉरी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आता है HLL का। HLL की आपकी दो तरह की वैकेंसीज होती हैं, स्टाफ नर्स की भी होती हैं, नर्सिंग ट्रेनर की भी होती हैं और CHO की भी होती हैं। तो अभी आपकी जो है HLL की वैकेंसीज भी फिल हो जाएंगी। इसके बाद आपकी जो है 6 मंथ बाद जो है HLL की वैकेंसीज निकाल दी जाती हैं। तो अक्टूबर तक इसकी वैकेंसीज आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट आती है एम्स बिलासपुर की। एम्स बिलासपुर की वैकेंसी बहुत जल्दी निकलने वाली है। ये जो है इसके लिए NORSET एक टेस्ट होता है, वो कंडक्ट करवाया जाता है एम्स दिल्ली के द्वारा। सभी एम्स के लिए ये टेस्ट होता है और इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सभी एम्स के लिए ये एक ही टेस्ट अप्लाई किया जाता है। इसकी जो सैलरी होती है, इसकी आपकी सैलरी होती है 72,000 प्लस इसकी सैलरी होती है। और GNM के कैंडिडेट होते हैं, उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के कैंडिडेट होते हैं, वो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन आपकी कंपलसरी होती है सभी जो है वैकेंसीज में। नेक्स्ट है आपकी HP बैच वाइज वैकेंसी। इसका मैंने पहले भी बता दिया, HP की बैच वाइज वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। नेक्स्ट है आपका BBMB। BBMB की वैकेंसीज भी नर्सिंग की बहुत सारी आती हैं। तो आपने क्या करना है, BBMB की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको विज़िट करना है। वहाँ पे BBMB की स्टाफ नर्स की बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। यही आपकी जो है डिटेल थी 2022-23 में जो भी वैकेंसीज अपकमिंग अभी आने वाली हैं स्टाफ नर्स की HP में। तो ये सारी आपके पास डिटेल है, बहुत सारी वैकेंसीज होने वाली हैं 2000-3000 प्लस इसकी, सभी को मिला के हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।